बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आरडी कंसल्टेंसी, रियल ड्रीम कंसल्टेंसी चैनल, और हम जो है वीज़ा सर्विस का काम करते हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये न्यूज़ जो है 2-3 दिन से जो है वो देख रहा हूँ, तो आपके साथ पहले जो है शेयर इसलिए नहीं कि मैं सोचा मैं इसकी पहले खुद तस्दीक कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ जो है ये शेयर करूँगा। क्योंकि पहले जो है जब न्यूज़ आई थी उससे हम कुछ लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, लिस्ट में जो है पाकिस्तानियों का नाम नहीं आता। तो अभी जो है तस्दीक करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि ये पाकिस्तानियों के लिए है। अब उसमें क्या कैटेगरी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी के पास जो है जीसीसी कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, आप जो है ये सऊदीया का जो 1 ईयर ई वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपका जो वर्क वीज़ा है जीसीसी का, वो कैटेगरी जो है लेबर नहीं होना चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे उसमें जो है कैटेगरी आती है आपके वीज़े की कौन सी कैटेगरी है, अगर आपकी कैटेगरी जो है उस लिस्ट के साथ मैच करती है तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये वीज़ा जो है मिल सकता है। अभी जीसीसी कंट्री में क्या कौन कौन से कंट्री आते हैं, बहरीन आ जाता है इसमें, कुवैत आ जाता है, कतर आ जाता है, मस्कत आ जाता है और दुबई आ जाता है। अगर इन कंट्री में से किसी के पास जो है वो वीज़ा है, रेजिडेंस परमिट है, तो आप जो है सऊदीया का जो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और अपडेट जो थोड़ा मुझे मिली है उसमें यह है कि अगर आप कतर फीफा वर्ल्ड कप का जो है 2022 का जो अगर आपके पास टिकट है तो आप फिर भी जो है सऊदीया का जो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये है कि आपका जो वीज़ा है वो मिनिमम जो है 3 मंथ वैलिड होना चाहिए, और जो आपका पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक जो है वैलिड होना चाहिए। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो मैं वेबसाइट जो है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर उधर से जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ कंटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपको किसी को चाहिए कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं सारी डिटेल वेबसाइट पे जाके, तो वो भी आप कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फिर उसकी जो वीडियो है वो लैपटॉप पे जो है लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो कैच करके जो सारा प्रोसीजर है वीज़ा अप्लाई करने का वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।